मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में लोकार्पण व शिलान्यास समारोह के दौरान अपने हाथों से 5-6 रोगियों के परिजनों को किट्स का वितरण किया। आपको बता दें कि क्षय रोग एक घातक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया है। आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के विभिन्न प्रकार की वजह से होती है तथा क्षय रोग हमेशा फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। जिसके रोगियों में मुख्यमंत्री ने दवा का वितरण किया, जिस पर सभी रोगियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। नगर से सदा सदा के लिए दूर कर देंगे। राम सूरत गुरु जी पक्ष पात्र के प्रदान किया जा रहा है। संदीप जी आ जाए। संदीप जी के ये माननीय मुख्यमंत्री जी के घर कमलों द्वारा तौर से शिवेंद्र जी, रविंद्र जी और सत्यभाम जी आ जाए। और आपको हम बता दें, अब आवास ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, दूसरा प्रधान प्रधानमंत्री आवास योजना, सब गोरक्षेश्वर यशस्वी कर्मठ निस्वार्थ ऐसे मुख्यमंत्री जो देश के हर राज्य के जनता चाह रही कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हो, ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में हम चाह जोर से भैया हो गड़गड़ाहट करके ताली करके इनके चंदन वंदन अभिनंदन। एक भव्य जीत उत्तर प्रदेश की दीर्घकुल जनता ने हमारे पूज्य महाराज जी को दी, वो विश्वास जो निरंतर महाराज जी सबके लिए निस्वार्थ रूप से काम करके लोगों के दिल में बसते हैं। हर परिवार, हर बच्चा, हर माँ, हर बहन, हर बेटी, वो सुरक्षा की दृष्टि हो, वो योजनाएं हो, वो विकास हो, उत्तर प्रदेश का एक अद्भुत भविष्य हो, आने वाली पीढ़ी का भविष्य हो, एक नया गोरखपुर जैसे कि पूज्य महाराज जी ने सपना देखा था, उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर कैसे बढ़ेगा, उनका स्वागत है। पूज्य महाराज जी का अनगिनत योजनाओं के साथ महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं। हमेशा जब भी आते हैं महाराज जी, आज 144 करोड़ की योजनाएं देंगे। माननीय सांसद हमारे सदन में हमारे साथी कमलेश पासवान जी बांसगांव, उनका स्वागत। माननीय विधायकगण सारे जो जितने हैं उनका स्वागत। जयप्रकाश निषाद जी राज्यसभा सांसद, उनका स्वागत। मेयर साहब का स्वागत। हम मंचासीन जितना भी लोग पाड़न विधायकगण सांसदगण सबको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि समय कम बाद दो मिनट मिलन बाटे, वो दो मिनट में हमके अपन बात रखे के हो। तो सब मंचासीन सबको स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सारे कार्यकर्ताओं को प्रणाम। हिंदू युवा वाहिनी के सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्रणाम। सारे दिग्गज नेता जो आगे बैठे हैं सबको प्रणाम। आज महाराज जी 144 करोड़ की योजनाओं को लेकर आपके समक्ष आए हैं। 61 विभिन्न परियोजनाएं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास की चाबी भी आज पूज्य महाराज जी के हाथों आशीर्वाद के स्वरूप हम लोगों को मिलेगी। जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, और महाराज जी हमेशा चाहते हैं कि ऐसे लोगों तक वो मदद पहुंचे जो आखिरी पंक्ति में खड़े रहें। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, उसी पद चिन्हों पर महाराज जी इस नए भारत के साथ, नया उत्तर प्रदेश, इस नए गोरखपुर को लेके चल रहे हैं। तो आज बहुत सारी योजनाएं रहेंगी। टीबी मुक्त भारत, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है कि 2025 तक टीबी फ्री इंडिया होगा, जहां टीबी से सब लोग मुक्त होंगे। आज उसकी दवाइयों की किट का कुछ वितरण है, वो भी आज इस मंच पर होगा। और बहुत सारे लोगों को धन्यवाद जो महाराज जी के जो दिल के बहुत करीब है, वो चीज है कि गौशाला गाय और जितने भी प्राणी हैं जानवर, उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। तो बहुत सारे ऐसे भी विभूतियां यहाँ पर आई हैं जो घास भूसा देकर उनको हमेशा उनका ख्याल रखती हैं, और जो भी छूटे हुए जानवरों का ख्याल रखती हैं। तो आज उनको सम्मान महाराज जी, पूज्य महाराज जी यहाँ करेंगे। तो अनगिनत योजनाओं के साथ पूज्य महाराज जी आए हैं। बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि महाराज जी ने कल जैसे महाराज जी के साथ गुजर रहे थे तो कई जगह पे महाराज जी 4 लेन 6 लेन बीच में सड़क पर लाइट, और कहीं कहीं उनका मन है कि पैलेस भी रहे गोरखपुर में। यहाँ
लोगों को ऊर्जा भी मिले, उनकी प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़े, रोजगार भी मिले। आज गीडा में भी कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट होगा और आज कई सौ लोगों को रोजगार मिलेगा, अनगिनत रोजगार। जैसे कि आप जान रहे हैं होमगार्ड से लेके अनगिनत योजनाओं को महाराज जी निरंतर, कल महाराज जी का कल कार्यक्रम, क्योंकि वहां पे मिडिल ईस्ट में किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के तहत देहांत पर कैंसिल हुआ था, महाराज जी चाहते तो आराम करते लेकिन गाड़ी में बैठ के पूरा 2-3 घंटा कुल सड़कों का निरीक्षण किए, हर नाले का किए कि बरसात आ रहा है, बरसात में कहीं पानी का जल जमा ना हो। तो ये छोटी सोच महाराज जी को बच्चों के प्रति प्यार, वो आप लोगों के प्रति प्यार, मानवता के प्रति प्यार, देश के प्रति प्यार, सनातन धर्म संस्कृति के प्रति प्यार, ये आज बहुत कुछ सीखने मिल रहा है।